नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए मेयर की हैसियत से दीक्षा कपिल धबाले का इंतखाब यकीनी हो गया है। आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से दीक्षा कपिल धबाले ने, जबकि बीजेपी की जानिब से गोपीले देवी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस के वफद में रुकने कानून साज कौंसिल अमर राजूरकर, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक मेयर शीला भौरे, शमीम अब्दुल्ला, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान, ग्रुप लीडर बलवंत सिंह गाड़ीवाले, विलास धबाले, कारपोरेटर अर्शिया कौसर व दीगर अफराद मौजूद थे। वाजे रहे कि नांदेड़ म्यूनसिपल कारपोरेशन में कांग्रेस पार्टी को एकतरफा अक्सरियत हासिल है। कारपोरेशन में अरकान की तादाद 80 के मंजुमला 73 सीटों पर कांग्रेस के अरकान मुंतखब हुए हैं, जिसकी वजह से दीक्षा कपिल धबाले का मेयर मुंतखब होना तकरीबन तय है। मेयर का इंतखाब बिला मुकाबला ना हो, इसके लिए बीजेपी की जानिब से गोपीले देवी ने अपना पर्चा दाखिल किया है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का ओहदा एससी जुमरे के लिए मुख्तस किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मेयर के ओहदे के लिए 5 साल की जुमला मियाद को 4 हिस्सों में तकसीम किया, ताकि इन 5 सालों में अलग अलग शख्सियात को मेयर बनाया जा सके। पहले 1.25 साल के लिए शीला किशोर भौरे का तकर्रुर किया गया। 1.25 साल की मियाद मुकम्मल होते ही शीला किशोर भौरे ने 24 मई को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब दूसरे हिस्से के 1.25 साल के लिए नए मेयर की हैसियत से दीक्षा कपिल धबाले के नाम का इंतखाब अमल में आ रहा है। मेयर के ओहदे के लिए मुंतखब किए जाने पर दीक्षा कपिल धबाले ने कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अशोक चौहान, रुकने असेंबली डीपी सावंत और रुकने कानून साज कौंसिल अमर राजूरकर का शुक्रिया अदा किया है। आज मुझे जो ये सम्मान मिला है, महापौर का पद मिला है, इसके लिए मैं अशोक चौहान साहब का और हमारे सब नगर सेवकों का धन्यवाद करती हूँ। और इस आने वाले काल में नांदेड़ शहर में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उनका हल, उनको अच्छी तरह से निवारण करने का प्रयत्न करूँगी। थैंक यू।